माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। लेकर आई हूँ लॉलीवुड से एक ऐसी खबर आपके खिदमत में जिसमें आपको बताएंगे कि दो ऐसे स्टार्स हमारे जो कि गायब हो चुके थे अरसे दराज से, उनकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब फाइनली उनकी खबर आ चुकी है और दोनों ने दोबारा से अपनी धमाकेदार एंट्री की है। एंट्री करते ही उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं आज के वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे आपको कि जिसका नाम सुनते ही आपके दिलों की धड़कन धड़कने लगेगी, इतनी सुरीली आवाज़ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ फरीहा परवेज़ का। आप जानते होंगे इन्हें शोहरत मिली थी कि दिल हुआ भो काटा गाने से। जनाब रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी और ये इतनी बड़ी स्टार बन गई थी इस गाने के बाद, जिसे देखो उसकी जुबान पर बस यही गाना था कि दिल हुआ भो काटा। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ फरीहा परवेज़ की, लेकिन अरसा दराज से वो गायब थी। वो कहाँ गायब थी तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब आपको याद आया होगा कि वाकई कितना अरसा हुआ है, हमने फरीहा परवेज़ को तो सुना ही नहीं। तो जनाब आपको बताएंगे कि 2017 में फरीहा परवेज़ ने जनाब अपनी इस फील्ड को, शोबिज़ को छोड़ने का फ़ैसला किया था और उन्होंने इस चीज़ का प्रॉपर जो है वो अनाउंस किया था कि 2017 के बाद उन्होंने काम नहीं करना। तो काफ़ी अरसे से वो गायब थी, लेकिन अब फाइनली उन्होंने शोबिज़ में दोबारा एंट्री की है और आते ही उन्होंने धमाकेदार गाना रिलीज़ किया है। ये गाना उन्होंने अपनी सालगिरह के मौका पर रिलीज़ किया है। सालगिरह के मौका पर उन्होंने अपने फैंस को ये तोहफा दिया है और इस गाने के जो उन्वान है, जो इसके बोल हैं, वो है ले जा। और इस कदर अच्छा गाना है और इस गाने में फरीहा परवेज़ की दोबारा से सुरीली और ख़ूबसूरत आवाज़ ने तमाम लोगों को अपना फ़ैन बना लिया है। इस वक्त लोग जितने भी इस गाने को सुन रहे हैं वो इसको बेहद पसंद कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये गाना ज़रूर सुने। अगर अभी तक आपने फरीहा परवेज़ का ये गाना नहीं सुना तो आप YouTube पर सुन सकते हैं ले जा, फरीहा परवेज़ का गाना। और आपको बताएंगे कि इस गाने की जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल है, जिसमें एक लड़की जो सादा घरेलू नई नई उसकी शादी होती है और शादी के बाद जनाब उसका शोहर जो उसको एक हफ्ते के बाद छोड़कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, तो उस फैमिली में नई नवेली दुल्हन को क्या मुश्किलात पेश आती हैं और शादी के बाद का वक्त उसका कैसा गुजरता है, इस हवाले से जनाब इसकी स्टोरी है, जिसमें वो अपने शोहर से कह रही है कि ले जा मुझे अपने साथ। लेकिन फिर क्या हुआ स्टोरी के अंदर, मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद ही देखिए। दूसरी खबर देंगे आपको हमारी मशहूर और मारूफ मॉडल अदाकारा, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामास में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अगर बात करें जनाब आमना शेख की, तो अब आपको याद आ गया होगा कि आमना शेख भी अपने बेटे की पैदाइश से बाद से लेकर अब तक स्टिल गायब थी, कोई अता पता नहीं था उनका। और अब अरसा दराज के बाद उन्होंने अपने अकाउंट से ऑफिशियल तरीके से जनाब एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी वापसी का इजहार किया है और उसमें उन्होंने कहा है अपने फैंस को कि आपके बेहद प्यार का बहुत शुक्रिया, नया साल हम सबके लिए मुबारक हो, आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों की इस कदर मोहब्बत देखकर मेरी आंखें नम हो गई और अब वो इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दिखाई भी देंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए माफ़रा को दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।